नमस्कार, सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और बेहद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, आज की ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए सूचना के तौर पे बताई जा रही है। जैसे कि आप सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों को याद होगा कि पोषण ट्रैकर ऐप में 20.9 का जो अपडेट आया हुआ है, और अभी आप लोग 20.9 के अपडेट पर ही फिलहाल काम कर रहे हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप जो 20.9 का अपडेट आया हुआ है उसमें वृद्धि निगरानी को लेकर जो अपडेट आई थी कि आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में जितने भी बच्चे हैं जिनके वृद्धि निगरानी में आप लोग गलती से हाइट को ज़्यादा चढ़ा दिए हैं तो उसको आप लोग कम करके उसको ठीक कर सकते हैं। यानी कि इसका जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक रखा गया है, ये आप सभी को भी मालूम होगा। तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो ये वीडियो है आप लोगों को पुनः याद दिलाना है कि जो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में गलती कर चुके हैं वृद्धि निगरानी को लेकर, उसको आप लोग जल्द से जल्द सुधार कर लें। 30 तारीख के बाद इस ऑप्शन को हटा दिया जाएगा, फिर आप लोग वहाँ पर जो गलती हुई है उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, कैसे सुधार करना है, इसका प्रोसेस क्या है, वो सारा चीज़ आप लोगों को PDF के माध्यम से समझाने वाले हैं। जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वृद्धि निगरानी पोषण ट्रैकर संस्करण 20.9, जैसा कि हम लोग 20.9 के अपडेट पे काम कर रहे हैं। तो देखिए, लिखा गया है पोषण ट्रैकर ऐप की ओर से, ये भेजा गया है, लिखा गया है सूचना, पोषण ट्रैकर ऐप संस्करण 20.9 के साथ वृद्धि निगरानी संबंधित गलत दर्ज आंकड़ों जैसे कि ऊंचाई को सही किया जा सकता है और यह सिर्फ 30 जून तक ही लागू रहेगा। यानी कि आप लोगों को 30 जून तक ये जो वृद्धि निगरानी में गलत ऊंचाई आ गया है उसको आप लोग सही कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं आपको PDF के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है होम पेज में लाभार्थी की सूची के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जो लाभार्थी की सूची है यहाँ से खुलती है, और यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड खुलने के बाद यहाँ पे बच्चों की सूची खुल के आ जाती है। अब आप लोग 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी वृद्धि निगरानी के लिए आप किसी एक जो कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे। तो कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद बच्चों की लिस्ट खुल के आ जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, आवश्यकता अनुसार लाभार्थी का ऊंचाई बदलने के लिए 3 बिंदु पर क्लिक करें। जैसा कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में 3 डॉट पर क्लिक करके जो लाभार्थी का सूची है वो आप लोग ओपन करते हैं। ठीक है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक और पेज खुलेगा जहाँ पर वृद्धि निगरानी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, वृद्धि निगरानी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से एक पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे पिछला जो विवरण है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पिछले मंथ में हमने कितना बच्चे का जो हाइट और वेट है वो डाला हुआ है, तो उसको सुधार आप लोगों को करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 81 सेंटीमीटर बच्चे का हाइट चढ़ाया हुआ है, और अगर मान लीजिए कि बच्चे का ये एक्चुअल हाइट नहीं है, गलती से यहाँ पे 81 सेंटीमीटर चढ़ गया है, तो उसको सही कैसे करना है, बच्चे को माप लेना है कितना उसका ऊंचाई है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 75 सेंटीमीटर बच्चे का वजन आता है, गलती से 81 आप लोग डाल दिए होंगे, तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का वजन कितना है वो आप लोग दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक और नया पेज खुल के आ जाएगा, जैसा कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में देखते हैं। यहाँ पे आपसे एक कन्फर्मेशन मैसेज पूछता है, अंकित वृद्धि मापन का विवरण जमा करने से पहले यहाँ पुष्टि किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आप जमा करने वाले पे क्लिक करेंगे, या आपने जो ऊंचाई यहाँ पे दर्ज की है वो सही है, अगर गलत होता है तो आप लोग यहाँ पे रद्द कर सकते हैं और पुनः जाके आप लोग जो सही डेटा है उसको भर के फिर इसी पेज पे आ सकते हैं। अगर डाटा सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रक्रिया को जारी रखें, यानी कि आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे तो इस प्रकार से आपको हुर्रे करके मैसेज आ जाएगा, सफलतापूर्वक सहेजने के बाद यह संदेश आपको दिखाई देगा। यानी कि जो आपने डिटेल्स को सबमिट किया है उसके बाद इस प्रकार से मैसेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आपने जो गलत ऊंचाई को सही किया है उसको हम लोग देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे बच्चे की प्रोफाइल ओपन करनी है, ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो बच्चे का हाइट और वेट है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि हमने पिछला जो हाइट डाला था जो गलत हो गया था वो सुधार हुआ है कि नहीं, आप लोगों को यहाँ पे बच्चे के प्रोफाइल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप के होम पेज पर आएंगे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक डैशबोर्ड देखने को मिलता है, डैशबोर्ड पे आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है,
डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो वृद्धि निगरानी वाली सूची है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है, जिसमें कि 0 से लेकर 6 वर्ष के जितने भी बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग की लिस्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि कितने बच्चों को आपने यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग इस मंथ कर लिया है, कितना पेंडिंग है, कितना आपने यहाँ पे सफलतापूर्वक कर लिया है, तो यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आके आप लोग बारी बारी से जितने भी बच्चों का वृद्धि निगरानी बाकी है उसको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पोषण ट्रैकर ऐप का नोटिफिकेशन है, जो PDF है, वो भेजा गया है ताकि आंगनबाड़ी बहनों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वृद्धि निगरानी के पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप लोग ऊंचाई और वजन को दर्ज कर सकते हैं। दर्ज करने के बाद आप लोग यहाँ पे आसानी से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों का वजन के हिसाब से आप लोगों को ये बताया गया है किस प्रकार से आपको करना है, बच्चे का वजन लेना है, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे जो बच्चे का वृद्धि निगरानी है वो करना है। वजन और हाइट आप लोगों को माप के ही पोषण ट्रैकर ऐप में वृद्धि निगरानी को सबमिट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हमने पूरी डिटेल्स में समझा दिया कि जो पोषण ट्रैकर ऐप पे दिखाई देता है किस प्रकार से आपको ये सारी डिटेल्स को फिल करनी है पोषण ट्रैकर ऐप में। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। और लास्ट डेट आप लोगों को 30 जून तक रखा गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जल्द से जल्द ये काम पूरा कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।